एनसीबी दल पर हमला कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं कुकड़ेश्वर नगर से संचालित एकमात्र न्यूज चैनल MP7 न्यूज। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए कुकड़ेश्वर क्षेत्र की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, धर्म कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनासा द्वारा आरोपी हरीसी पिता धन्ना बंजारा उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम शोपुरिया तहसील मनासा जिला नीमच को एनसीबी दल पर हमला कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप का दोषी पाकर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 332/34 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 600 रुपए जुर्माने से दंडित किया। योगेश कुमार तिवारी एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 30/4/2010 ग्राम शोपुरिया स्थित आरोपी के घर की है। घटना दिनांक को एनसीबी अधीक्षक राकेश कुमार मंसूर नीमच जिला क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही का संकलन निगरानी एवं फॉलोअप के लिए दौरे पर गए थे कि उन्हें मुखबिर सूचना मिली कि कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम शोपुरिया में हरीसी बंजारा ने अपने घर के अंदर मादक पदार्थ अफीम छिपा कर रखा हुआ है। सूचना पर से वह बोलेरो व टाटा इंडिका वाहन से मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान हरीसी बंजारा के घर पहुंचे, जहां हरीसी एवं उसका ससुर नेना बंजारा मिला तथा घर की तलाशी लिए जाने पर उसके घर के अंदर से मादक पदार्थ अफीम भी बरामद हुआ, जिसकी जब्ती की कार्यवाही के दौरान घर के बाहर भीड़ इकट्ठी होकर घर पर तथा वाहनों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपीगण द्वारा पत्थर से सिपाही ड्राइवर विजय कुमार एवं दल के सदस्य BS चंदेल पर हमला कर उन्हें चोट पहुंचाते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। एनसीबी दल द्वारा मौके की कार्यवाही पर दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार करके वह अफीम जब्त कर थाना कुकड़ेश्वर पहुंचे, जहां फरियादी द्वारा आरोपी गण के विरुद्ध घटना की रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक 55/2010 धारा 332/34 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध हुई। विवेचना के दौरान आहत गण का मेडिकल कराने एवं आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान एक आरोपी नेना उर्फ नानूराम बंजारा द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर दिनांक 18/10/2016 को निर्णय पारित कर उसे भोगे गए कारावास 5 वर्ष 8 माह से दंडित किया एवं आरोपी हरि सिंह के विरुद्ध विचारण जारी रहा। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में आहत गण व एनसीबी दल के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा पत्थर से एनसीबी दल के सदस्यों से मारपीट करके चोट पहुंचाकर शासकीय कार्य में बाधा डाले जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर कठोर दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोनों आहत गण को चोट पहुंचाने के लिए धारा 332/34 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व 300 रुपए जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी योगेश कुमार तिवारी एडीपीओ द्वारा की गई। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।